गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। कल की वीडियो में हमने मस्ट के बारे में पढ़ा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो यूज ऑफ वुड। आज मैं वुड के बारे में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। यूज ऑफ वुड, वुड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। देखो, वुड जो होता है वो पास्ट फॉर्म होती है विल की। तो पहला रूल हमारा ये है कि विल के पास्ट के रूप में, विल के पास्ट के रूप में हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कोई भी नरेशन करते हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, तो विल का हम क्या कर देते हैं, वुड कर देते हैं। देखिए, ही सेड दैट ही वुड गो देयर टुमारो। अब देखो, उसने कहा, अब मैं यहां पे मान लीजिए विल कर देता हूं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा यहां पे पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसलिए जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हो तो विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। ये भी विल का पास्ट है, इसलिए विल हमारा यहाँ पे क्या है, रोंग है। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते हैं तो भी कोई वो नहीं है, आप यहाँ देख लेना कि यहाँ पे आपका पास्ट टेंस तो नहीं है। अनदर एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प द पुअर नेक्स्ट वीक। ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प द पुअर नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह वो गरीब की सहायता, गरीबों की सहायता करेगा। ये हमारा एज द पास्ट ऑफ विल, विल के पास्ट के रूप में हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो सेकंड है, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट। जब कहीं भी पोलाइट रिक्वेस्ट आती है, जब आप किसी से विनम्र प्रार्थना करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, देखो फॉर्मल में तो आपकी कोई मदद करेगा नहीं, तो आप एक रिक्वेस्ट करोगे, एक मीठा बन के उससे कोई चीज मांगोगे, तो वो आपको क्या करेगा, मना नहीं करेगा। जैसे मैं कहता हूं, वुड यू लेंड मी 5,000 रुपीज, क्या आप मुझे 5,000 रुपये उधार दोगे। इसमें क्या कर रखी है, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रखी है। जैसे वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी टू शो द रेलवे स्टेशन, क्या आप रेलवे स्टेशन को दिखाने में मेरी मदद करोगे। वुड यू हेल्प मी टू ओपन द गेट, क्या आप मेरी सहायता करोगे गेट खोलने में। तो ये इसमें क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आपको यूज करना है, किसका यूज करोगे, वुड का यूज करोगे। थर्ड है वुड लाइक मीन्स कहीं भी आपके सेंटेंस में लाइक है तो आपको हमेशा वुड यूज करना है। कहीं भी वाक्य में लाइक है तो आपको वुड करना है, वुड यूज करना है। और वुड का मतलब होता है चाहूंगा, वुड लाइक का मतलब होता है चाहूंगा, मैं आपसे मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं आपकी मदद करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू हेल्प यू, मैं वहां जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो देयर, मैं हंसना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू लाफ, मैं पत्र लिखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू राइट ए लेटर। इसमें मतलब होता है वुड लाइक, जहां भी आपका लाइक है हमेशा आपको वुड का प्रयोग करना है। उसके बाद है नेक्स्ट जो रूल है, चॉइस या प्रिफ्रेंस। चॉइस के लिए या प्रिफ्रेंस के लिए आप किसका यूज करोगे, वुड का यूज करोगे। चॉइस और प्रिफ्रेंस के लिए, चॉइस और प्रिफ्रेंस के लिए आप यूज करोगे वुड का। नेक्स्ट रूल है चॉइस प्रिफ्रेंस। कोई प्रेफरेंस करनी है, कोई चॉइस करनी है, उसके लिए आपको क्या करना है, किसका प्रयोग करना है, वुड का प्रयोग करना है। इसमें आपका
रेदर देन ये मिलेगा। जहां भी रेदर देन है आपको यूज करना है वुड का। कहीं भी सेंटेंस में आपका रेदर देन रादर देन आता है तो आपको यूज करना है वुड का, प्रयोग करना है। इसमें कोई प्रेफरेंस होती है, कोई चॉइस होती है। जैसे मैं कहता हूं कि आई वुड डाई रादर देन बैग बैग, मैं मरना पसंद करूंगा भीख मांगने की अपेक्षा, मैं मरना पसंद करूंगा भीख मांगने की अपेक्षा। यहां पे आपका रादर देन है तो हमेशा क्या आएगा, वुड आएगा। कहीं भी सेंटेंस में रादर देन आता है तो आपको हमेशा यूज करना है वुड। एक और एग्जाम्पल, आई वुड रीड दिस पोयम, आई वुड रीड दिस पोयम देन रादर देन वॉच मूवी। आई वुड रीड दिस पोयम रादर देन वॉच दिस मूवी। इस मूवी को देखने की अपेक्षा मैं इस पोयम को पढ़ना पसंद करूंगा। ये हमारी यहाँ पे क्या है, चॉइस है। जहां भी रादर देन आता है वहां पे आपको यूज करना है वुड का, आपको यूज करना है। उसके बाद टू एक्सप्रेस विक्स विश, टू एक्सप्रेस विश, विश को कोई इच्छा होती है उस इच्छा को व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। ये कोई कल्पना से रिलेटेड होती है, कोई काल्पनिक होती है, उसमें हम विश का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है काश, काश होते ही अपने आप क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है। जैसे मैं कहता हूं आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। या आई विश आई वर ए बर्ड, काश में एक पक्षी होता। देखो विश को हम वुड दैट भी लिख सकते हैं, वुड दैट आई वर ए बर्ड, काश में एक पक्षी होता। अब देखिए कहीं भी रिक्त स्थान है, ब्लैंक है, और उसके बाद दैट है, और लास्ट में विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो आपको हमेशा वुड का प्रयोग करना है। वुड दैट आई वर ए नाइस टीचर, वुड दैट आई वर ए किंग, काश में एक राजा होता, काश में एक अच्छा टीचर होता। ये क्या किया गया है, एक ये विश है, एक विश को भी आप एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हो। किसका यूज करते हो, वुड का यूज करते हो। नेक्स्ट रूल है कंडीशनल वाक्य में, जो अनरियल कंडीशन होती है, अनरियल जो सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में आप वुड का प्रयोग करते हो। अनरियल कंडीशन में आप हमेशा वुड का प्रयोग करते हो। अनरियल कंडीशन मीन्स जैसे अनरियल कंडीशन या अनरियल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन, इसमें जो आपकी होती है वो आपकी तीन प्रकार की होती है कंडीशन। एक तो आपकी होती है ई प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वहां पे सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। एक होती है इफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, उसमें सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। एक कंडीशन होती है
ई प्लस सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक होता है आपका हेड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारी चार टाइप की सिचुएशन होती है, अनरियल कंडीशन होती है, अनरियल सिचुएशन होती है जिसमें हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, वुड का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ही इफ ही वर्कड हार्ड, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। अब देखिए यहां पे यदि उसने मेहनत की होती, मींस क्या है ये पास्ट की कोई अनरियल सिचुएशन है, यदि उसने मेहनत की होती तो वो पास हो गया होता। यहां पे हमारा इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहां पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अगला जो एग्जांपल है, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव, इफ यू हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। अब देखो मैंने बताया था कि अब ये हमारी कंडीशन आई हुई है, यहां पे आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो हमारा यहां पे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब देखो मैं और एग्जांपल आपको देता हूं, इफ यू स्टडीड इंग्लिश यू वुड पास, आप पास हो गए होते यदि आपने इंग्लिश पढ़ी होती। इफ द पुलिस हैड कम ए लिटल बिफोर, इफ द पुलिस हैड कम ए लिटल बिफोर द थीव्स वुड नॉट हैव रन अवे। यदि पुलिस समय पर पहुंच गई होती, थोड़ा सा पहले पहुंच गई होती, तो वो वहां जो चोर थे वो वहां से नहीं भाग गए होते। नेक्स्ट जो हमारा रूल है पास्ट हैबिट को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं वुड का। जो भी हमारी पास्ट हैबिट होती है, जितनी भी हमारी पास्ट की हैबिट होती है, उस पास्ट की हैबिट को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, तो हम यूज करते हैं पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट के लिए हम यूज करते हैं एक तो आपका यूज्ड टू, और एक हम यूज करते हैं वुड। एक तो हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं और एक हम यूज करते हैं वुड का। इसका मीनिंग है किया करता था। मीनिंग क्या है, किया करता था। जैसे ही यूज्ड टू टॉक इन क्लास, वो क्लास में बात किया करता था। ही यूज्ड टू सिंग ए सॉन्ग, वो गाना गाया करता था। ही यूज्ड टू स्मोक, वह धूम्रपान किया करता था। मीन्स ये उसकी पास्ट की हैबिट थी। ये पास्ट की हैबिट को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। हम इसके मैं एग्जांपल देता हूं, ही यूज्ड टू सिंग ए सॉन्ग, वह गाना गाया करता था।
मतलब गाना गाने का शौकीन था, गाना गाया करता था। इसको मैं ऐसे भी राइट डाउन कर सकता हूं, ही वुड सिंग ए सॉन्ग, ही वुड सिंग ए सॉन्ग। ये भी हमारा सेंटेंस ठीक है, ये भी हमारा सेंटेंस राइट है। ये भी किया करता था, वो गाना गाया करता था, मीन्स पास्ट की हैबिट है, और ये भी हमारी पास्ट की हैबिट को डिस्क्राइब कर रहा है। दोनों हमारे क्या हैं, राइट है। लेकिन जब कंपटीशन की बात आती है, उस कंपटीशन में इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस के बारे में बता रहा हूँ। वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, कुछ ना तो कुछ डिफरेंस है, और वही डिफरेंस मैं आपको अब बताऊंगा। अब देखो दोनों वैसे तो सिंपल में होते, लेकिन पहली बात ये है कि ये जो दोनों हैं वो कभी भी सिंगल क्लाउज में नहीं यूज होते हैं, कभी भी ये सिंगल क्लाउज में नहीं यूज होते हैं, ये हमेशा डबल क्लाउज में यूज होते हैं, ये हमेशा डबल क्लाउज में यूज होते हैं। जो आपका यूज्ड टू है और आपका वुड है, ये हमेशा इस तरह की जो पास्ट की हैबिट है वो कभी भी आपकी सिंगल क्लाउज में नहीं आएगी। लेकिन हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए इसको वैसे कह देते हैं, ही यूज्ड टू स्मोक, वह धूम्रपान किया करता था, उसका शौकीन था। लेकिन डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, देखिए इसमें डबल क्लाउज आती है, जैसे वैन सब्जेक्ट वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारी ये हैबिट आएगी। ये हमारी क्लाउज होनी जरूरी है इनके साथ, ही यूज्ड टू स्मोक व्हेन ही वाज ए यंग, ही यूज्ड टू ड्रिंक व्हेन ही वाज ए चाइल्ड। देखो इनके बाद जो सेकंड वो है वो आपकी, ये जो फॉर्मेशन है ये आनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जो है वो डिफरेंस की बात है, वो डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। कुछ हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जो टाइम के बारे में बताती है, जैसे आपका है यूजुअली, ऑलवेज, सेल्डम, यूजुअली, ऑलवेज, सेल्डम, एवरीडे, डेली, जनरली, जनरली, ये जो है ये हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यदि ये इनके साथ लग जाती है, यदि ये इनके साथ लग जाती है तो हमें यूज करना है, किसका यूज करना है, हमने यूज करना है वुड का यूज करना है। जैसे क्या था हमारा, जैसे मैं आपको ये कहता हूँ, जब मैं अमेरिका में था तो मैं सुबह खाना खाया करता था, मैं सुबह खाने के साथ चाय पिया करता था, जब मैं वहाँ था तो वो काम किया करता था। मीन्स ये पास्ट की हैबिट है, जैसे कि वो डिस्क्राइब करता है कि व्हेन। अब जो ये आपकी है ना, ये जो थ्री टाइप्स की होती है, ये जो आपकी पास्ट की हैबिट होती है वो आपकी थ्री टाइप्स की होती है। एक तो होती है रेगुलर, एक होती है इनरेगुलर, और एक आपकी हैबिट होती है नॉर्मल। अब देखिए आपकी, मैंने बताया था जो हैबिट होती है वो थ्री टाइप्स की होती है। पहली जो हैबिट होती है रेगुलर, जिसमें जो रेगुलर हैबिट होती है उस रेगुलर हैबिट में सब्जेक्ट यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हो। जो इरेगुलर आपकी हैबिट होती है उसमें आप सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हो। थर्ड जो होती है, जो आपकी नॉर्मल हैबिट होती है, उसमें आप सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हो। देखिए
मैंने आपको कहा था कि यूज्ड टू और वुड में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यही है जो यूज्ड टू है वो आपका रेगुलर जो हैबिट है उसके बारे में बताता है, और जो आपका वुड है वो आपका इरेगुलर हैबिट के बारे में बताता है। जिसकी हैबिट इरेगुलर हो, वो हैबिट डेली न हो, तो आपको यूज करना है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि वो हैबिट कंटिन्यू है, लगातार है, वो रेगुलर है, तो आपको यूज करना है यूज्ड टू, आपको यूज करना है। यही डिफरेंस है। रेगुलर हैबिट के लिए आप यूज कीजिए यूज्ड टू, और इरेगुलर हैबिट के लिए आपको यूज करना है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और जो नॉर्मल हैबिट है, उस नॉर्मल हैबिट के लिए ओनली आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हैबिट आपकी तीन प्रकार की होती है। एक आपकी हैबिट होती है रेगुलर, दूसरी होती है इरेगुलर, थर्ड जो होती है वो आपकी होती है नॉर्मल। देखिए, व्हेन आई वॉज इन अमेरिका, जब मैं अमेरिका में था, आई यूज्ड टू टेक टी विद ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में मैं चाय लिया करता था। कब? जब मैं अमेरिका में था तो डेली क्या करता था, वो अपनी ब्रेकफास्ट किया करता था, उसकी हैबिट थी वो ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट के साथ चाय लिया करता था। अब ये इसकी क्या है, ये इसकी जो है वो रेगुलर, रेगुलर हैबिट के बारे में बताता है। सेकंड एग्जांपल है, व्हेन आई वॉज इन अमेरिका, जब मैं अमेरिका में था, आई वुड सम टाइम्स टेक टी विद ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट के साथ कभी कभी चाय पिया करता था। मींस कभी कभी, ये उसकी इरेगुलर हैबिट थी। कौन सी थी? इरेगुलर हैबिट। और इरेगुलर हैबिट के लिए आपको यूज करना है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको बताया था कि जो इरेगुलर हैबिट है उसके लिए आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और रेगुलर जो हैबिट है उसके लिए यूज्ड टू का आपको प्रयोग करना है। यही हमारा डिफरेंस है यूज्ड टू और वुड में। दोनों पास्ट की हैबिट को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं डिफरेंस क्या है। रेगुलर हैबिट के लिए यूज्ड टू का प्रयोग कीजिए, इरेगुलर हैबिट के लिए आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। एक और एग्जांपल है, व्हेन आई वॉज इन अमेरिका, जब मैं अमेरिका में था, आई टुक टी विद ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट के साथ चाय लेता था। व्हेन आई वॉज इन अमेरिका, जब मैं अमेरिका में था, I took tea with breakfast. मैं ब्रेकफास्ट के में चाय लेता था। ब्रेकफास्ट जो करता था वो चाय के साथ करता था। ये उसकी पास्ट की सिंपल हैबिट है। हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द एग्जाम्पल एंड रूल्स ऑफ वुड। होपिंग दैट आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपका जो कंसेप्ट है वुड, वो आपका क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो भी हमारी अच्छी होगी। लॉट ऑफ थैंक्स, हैव ए नाइस डे।